तानाशाही के विरोध में वोट दिए हैं, देश को असुरक्षा रख रहा है उसी को दिए हैं। महंगाई के खिलाफ जनता ने किया, पहले तो रोजगार का व्यवस्था हो, चाहे चापा कल घटल है घर कॉलोनी न खामरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV 45 और मैं हूं अनुज कुमार पांडे। ये पब्लिक है, सब जानती है। आज इसी एपिसोड के तहत मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से रूबरू कराता हूं, जो आप ये क्या आप समझ सकेंगे कि इस बार जो सरकार बनने वाली है वो सरकार महागठबंधन की बन रही है या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है। यहाँ कई पर्यटक है जो जिनसे मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि ये जो इस बार जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में जो पर्यटक है या कई कई दूर दूर से लोग आते हैं। हम मैं भैया से जानना चाहूंगा कि भैया आपने इस बार वोट दिया? आपने वोट दिया है? वोट दिया है। तो कैसे लोगों को, किन मामलों को लेकर आपने चुना? यहाँ दो हमारे देश में दो प्रत्याशी हैं, एक और है महागठबंधन, दूसरे वो नरेंद्र मोदी। आपने किनको चुना? मोदी जी के। मोदी जी को क्यों चुना आपने? मोदी जी को क्यों चुना आपने? चुने उनको इसलिए कि देख रहे हैं कि थोड़ा सा ठीक ठाक में हमको लगा। हमें हमारे अनुसार से ठीक ठाक लगे, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे दीदी भी है, कुछ महिला लोग सब है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। चाची चाची देखिए, अभी का जो अभी अभी जो चुनाव है इसमें महिलाओं का विशेष महत्व रहा है। आप पुराने एक बुजुर्ग महिला है, तो वोट तो आपने किया ना चाची? वोट की ना आप? वोट मारी ना आप कि नहीं दी वोट? मारी तो है। वोट दी? तो ये बताइए कि यहाँ दो अभी महागठबंधन, एक तरफ जहाँ राहुल गांधी है और दूसरे तरफ में नरेंद्र मोदी, आपने किनको चुना बता दीजिए? किनको आपने चुना? आपने चूंकि आपका बहुमूल्य वोट था, हम तो कांग्रेस को दिए हैं। आपने कांग्रेस, आप कांग्रेस को दिए? चाची कांग्रेस को क्यों दिया आप? हमको ठीक लगा सब चीज उनसे। क्या लगता है, नरेंद्र मोदी जी आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं अच्छा लगा वो भी, लेकिन हम सोचते कि थोड़ा बदला हुए, बदलाव हो। अच्छा, ये जो सरकार द्वारा, जो भाजपा सरकार द्वारा अभी जो दिया जा रहा है व्यवस्था, क्या आपको नहीं मिला व्यवस्था? तो हम लोग को तो कुछ नहीं मिला है। आप लोग को कुछ नहीं मिला? हम कुछ नहीं मिला है। मोदी जी कहते हैं कि महिला के सम्मान में लोग नौकरी चौकरी सब देना चाहिए, जो रोजगार है वो भी रोजगार बंद कर रहे हैं। हाँ। है जहाँ की चालू कारखाना है या है वह है, उसने तो कहाँ सबको तो बैठा दिया। अभी देखिए रांची में वो लोग को पैसा भी नहीं मिल रहा है, जो आदमी काम कर रहा है उन लोग को देना चाहिए ना, लेकिन उन लोग को तो भी बैठा दिया है। क्या लगता है आपको, मोदी जी की जो सरकार है वो बेहतर तरीके से कार्य नहीं कर रही है? नहीं ठीक है, कुछ ठीक है, कुछ गलती सही दोनों है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, और बेहतर करना चाहिए। ठीक है, बेहतर करना। आपने कांग्रेस को चुना, यहाँ कई लोग और भी हैं, चाचा यहाँ पे है, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करता हूँ कि आखिर इस बार का जो चुनाव है वो चुनाव में किस तरह के लोगों को इन्होंने अपना बहुमूल्य वोट दिया। चाचा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नरेश पंडित है। अच्छा, मैं रांची से आया हूँ। अच्छा अच्छा, है ना? अच्छा रांची से आया है जी। तो आप बताइए आपने इस बार किसको चुना? हम महंगाई के विरोध, बेरोजगारी के विरोध, तानाशाही के विरोध में वोट दिए। तो आपने मोदी को वोट नहीं दिया? मैंने, आप जिसको मोदी समझिए चाहे मैंने इसको अच्छे से राहुल समझिए, हम तो बतला दिए ना, ये तीन मुद्दा के विरोध में हमने वोट दिया है। समझ क्या लगता है कि जो सरकार है ये मोदी जी की सरकार ये बेहतर कार्य नहीं कर रही है? हमारे ख्याल से तो हम तो बतला रहे, ये तीन जो तानाशाही, बेरोजगारी, क्या आप ये बतलाइए, आप पत्रकार हैं, 90 मैंने जो भी भ्रष्टाचारी को पकड़ते हैं तो 90 से 95% भ्रष्टाचारी कौन है जो उसके अगेंस्ट में है? अगर यदि जो भ्रष्टाचारी के विरोध में रहता तो 10 मैंने 100 में से कम ऐसा होता ना कि 70% मान लिया बिटक। आपको लगा कि अभी जो मोदी की सरकार है वो तानाशाही सरकार है जी, सही ना जी? तो तानाशाही, महंगाई, बेरोजगारी है ना, भ्रष्टाचार। आपने मोदी के खिलाफ राहुल को, आपने महागठबंधन को वोट? हमने वोट दिया है बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचारी के विरोध में। चाचा चाचा आप जिसको भी वोट दे रहे हैं, अगर कमल फूल में दिए हैं तो भाजपा को मिलेगा, अगर हाथ छाप में दिए हैं तो कांग्रेस में। ये तीनों का विरोध के है ही, बतलाइए अब तो ये अभी देखिए लोग सब ये कहते हैं कि मोदी जी जो है सब लोग को बहुत सारा दिए हैं, महिला लोग को सम्मान दिए हैं, घर को चावल देते हैं, ये मंदिर है, सुन लीजिए हम भी पूजा करने के लिए आए हैं ना। हम आपको ये लगता होगा कि ये जिसे मोदी विरोधी है ये ना, कुछ ऐसा नहीं है। आपका आपका अपना मत, हमारा ऐसा, ये अगर यहाँ पर राजनीति कर करके मंदिर मस्जिद ये दिखला दे
ये पब्लिक के लिए क्या है। तो आपके अनुसार जो मंदिर का काम, राम मंदिर का काम हुआ, वो एक दिखावा है? बिल्कुल दिखावा है, बिल्कुल। अभी आपको कई लोग यहाँ है, उनसे भी भेंट करवाएंगे आपको। भैया क्या नाम हुआ आपका? हमको हमारा नाम हुआ वीरेंद्र यादव। अच्छा, अभी जो अभी आपने वोट दिया? हाँ वोट तो दिया सर। वोट दिया? हाँ। अच्छा, वोट किसको दिया आपने? कैसे, किस वोट, किस तरह के लोगों को दिया आपने? हम जिस तरह से देखिए, दो पार्टियां सामने थी, भाजपा और कांग्रेस, एकदम आमने सामने। आपने किसको वोट दिया? हम जिन हिसाब से जो पार्टी अच्छा तरह से काम कर रहा है, देश को सुरक्षा रख रहा है, उसी को दिए हैं। मतलब जो देश को सुरक्षित रख रख रहा है, हमको दंगा नहीं हो रहा है अभी तक ले। कुछ हमारा जो भी है इंडिया में 2014 पहले कितना दंगा होता, अभी साथ है, वो हिसाब से उसी को वोट दिया गया। मतलब जो अभी अभी बेहतर तरीके से जो नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, उनको सपोर्ट, उसको सपोर्ट। कई महिलाएं भी हैं, उनसे भी मिलने के बाद। दीदी क्या नाम हुआ आपका? अंजनी। अंजलि। हाँ। दीदी देखिए, अभी जो देश में सबसे अधिक भाजपा मोदी को वोट दिया, क्यों मोदी को वोट दिया? हम लोग भागलपुर से हैं। अच्छा, भागलपुर से। हाँ। तो क्यों दिए वोट मोदी को? नहीं, हम लोग को वहाँ बहुत तरह का सुविधा भी दे रहे हैं, साधन भी है, हर कुछ तरफ से। क्या लग रहा है, देश सही तरीके से मोदी जी चला रहे हैं? हाँ, मेरे तरफ से तो ठीक ही लग रहे हैं। यहाँ पे कई लोग हैं, मैं उनसे भी, जो गृहिणी महिलाएं हैं घर के, उनसे भी मैं आपको बात करवाऊंगा, ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि अभी इस बार जो वोट पड़ा है वो भाजपा को वोट पड़ा है या कब भाजपा को गया है। लोग सबका कहना है कि यहाँ देखिए, यहाँ कुछ फोटोग्राफर्स भी यहाँ के लोकल हैं। ये बताइए, इस बार वोट किसको दिया आपने? ओनली मोदी। केवल मोदी? सिर्फ मोदी। क्यों दिया मोदी को आपने? मोदी देश का जिस तरह से विकास कर रहे हैं, और तो चाचा ने कहा कि मोदी जो है सो बढ़िया बेहतर तरीके से नहीं चला रहे। देखिए, अपना अपना सोचने का अपना अपना तरीका है, क्या विकास हुआ है, क्या 2014 से पहले देश का हालात था और क्या अभी हालात है, ये सभी के सामने है, ये कहने वाली तो कोई बात है नहीं। बाकी मत अपना है, जिसको जिसको लगा उसको दिया। आपने मोदी को दिया? भैया आपने किनको दिया वोट अपना? हम तो मोदी दिए भैया। मोदी को दिए? बोले हम मोदी देते हैं। काहे दिए मोदी को भैया? अरे सुरक्षित है, हम पूरा ऑल इंडिया घूमते हैं, हम हर जगह पर, हमको अच्छा लग रहा है तो दिए। मतलब बेहतर है मोदी? हाँ बेहतर है मेरे लिए। मतलब इस बार क्या लगता है? मोदी मॉडल में हम रहते भी। मैं चतरा लोकसभा के सिमरिया विधानसभा की इटकोरी में हूँ, और यहाँ जाने का प्रयास करूंगा कि इस बार जो लोगों ने अपना बहुमूल्य वोट दिया वो किन मामलों को लेकर दिया और किसे दिया। मैं यहाँ कई लोग पीछे देख सकते हैं, हमारे कैमरा पर्सन से कहूंगा कृपया आगे आकर दिखलाए सब लोग को, ये लोग जो है। अच्छा सर, ये बताइए कि इस बार जो वोट हुआ किन मामलों को लेकर आप लोगों ने वोट किया? हम लोग तो इंडिया गठबंधन को दिए हैं। क्यों 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 दिए इंडिया गठबंधन को? क्यों भाजपा को क्यों नहीं दिया आपने? हम तो यही सोचे कि मोदी आतंकवादी कर रहा है, तानाशाही, आतंकवादी नहीं तानाशाही। अभी तक तो आतंकवादी नहीं कहा गया मोदी को, आप तानाशाही आतंकवादी गलत बोले, तानाशाही मोदी तानाशाही कर रहे हैं। हाँ। है? तो क्या क्या लगता है कि इसके बाद जो दूसरे महागठबंधन से आएंगे वो तानाशाही नहीं करेंगे? अब आने के बाद देखा जाएगा। क्या तरह सही कर रहे हैं मोदी? जिसको पा रहे हैं उसको थोड़ा सा भी गलती में जेल भेज दे रहे हैं, हम लोग को नेता को जेल भेज दे रहे हैं। मतलब महागठबंधन के जो लोग हैं उनको जेल भेज दे रहे हैं, जेल भेज दे रहे हैं। तानाशाही हो रहा है, तानाशाही। आपने महागठबंधन को किया? आपने महागठबंधन? आपने किनको वोट किया? इंडिया गठबंधन को वोट किए, और ये जो वोट हुआ, बेरोजगारी चरम सीमा पर थी, नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बेरोजगारी के खिलाफ किया और महंगाई के खिलाफ जनता ने किया, ये मूल मुद्दा था बेरोजगारी और महंगाई, जिस पर जनता ने वोट किया। देखिए यहाँ के लोग हैं, महागठबंधन से लोग हैं, और इन लोगों का कहना है कि इस बार का जो वोट लोकसभा का वोट हुआ है, इसमें दो तीन जो मामले हैं वो मुख्य रूप से, एक है बेरोजगारी, दूसरा है जो कहना है लोगों का कि मोदी जो है वो तानाशाही कर रहे हैं, लोगों को अपने अनुसार चला रहे हैं, जिसको जरूरत है उसको जेल के सलाखों के पीछे भेज दे रहे हैं। और सर आपने आपने किन मुद्दों को लेकर वोट किया? मुद्दा हम लोग इस बार इंडिया गठबंधन में तमाम वैसे लोग लड़े, नौजवान लोग और जो पहले पहले भी वोटर थे, वो लोग देख रहे थे कि देश की क्या स्थिति है, शिक्षा का हालत क्या है, रोजगार संभव नहीं है। वैसी स्थिति में लोग पहले तो रोजगार का व्यवस्था हो, और जब तक शिक्षित नहीं होगा देश आगे नहीं बढ़ेगा, इस मुद्दे पर नौजवानों ने बढ़ के यहाँ पे कई और लोग हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो चाय की दुकान है, मैं कैमरा पर्सन से बोलूंगा दिखाने के लिए, चाय की दुकान है, और चाय की दुकान से चाय की चुस्की के साथ साथ राजनीति की भी बातें होती है।
यहाँ पे कई दोनों पक्ष के अभी जो मूलतः भाजपा और महागठबंधन के लोग हैं वो दोनों पक्ष आते हैं और दोनों लोग अभी एनालिसिस कर रहे हैं कि आखिर इस लोकसभा में चतरा लोकसभा में किसका मतदान इस बार बेहतर हुआ है, कौन इस बार यहाँ के सांसद बनेंगे। तो भैया जरा सा यहाँ पे दुकानदार है, इनसे मैं बात कर रहा हूँ। भैया आपने वोट किया? हाँ भैया किया। तो क्या किन 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 मुद्दों को लेकर इस बार वोट किया आपने? रोजगार के लेकर के किया। रोजगार? हाँ। मुख्य मुद्दा रोजगार था बस। क्या किनको आपने किया अपना वोट? वोट हमने मोदी जी को दिया। मोदी जी को क्यों दिया वोट आपने? समझ बुझ के वहाँ जाने के बाद जो समझ में आया हमने दे दिया। तो आपको लगता होगा मोदी जी ना क्या क्या क्यों बेहतर है आपके लिए मोदी जी? उनमें बेहतर हैं। बेहतर हैं। इंडिया गठबंधन को दिया। क्यों दिया इंडिया गठबंधन को भाई? इसलिए कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा देखते हुए मुद्दे पर हमको वोट किए। मतलब क्या लगता है कि आपके जो महागठबंधन की सरकार आएगी कल इस पे नियंत्रण कर लेगी? जरूर करेगी। अभी तो लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार आने के बाद बेहतर हुआ है। मोदी लड़ रहे हैं बनारस से, चतरा लोकसभा से। यहाँ कालीचरण जी हैं, त्रिपाठी जी हैं और कैंडिडेट हैं। तम कैंडिडेट देख करके हम लोग वोट करते हैं। तो यहाँ के जो कैंडिडेट तो मोदी करते हैं, बाकी लोग तो मोदी को देखकर वोट करते हैं। तो जो करते हैं उतनी हम लोग तो बेरोजगार, शिक्षा और महंगाई ये सब देख करके हम लोग वोट करते हैं। पूरा परिवार? पूरा परिवार है ना। किसको मारे? बीजेपी को। भाजपा को? भाजपा को। कहा है भाजपा को? मोदी सरकार अच्छा है, विकास को रचा जाता है। बढ़िया है, बढ़िया है। कांग्रेस से अच्छा लग रहा है? कांग्रेस हम लोग को समझ नहीं आता है। नहीं नहीं, मतलब मोदी जी की जिता देना? मोदी जी जिता देना। मतलब काहे मोदी जी? मोदी चाहत है जो गरीबी घर की सेवा कर रहा है, उसको अनाज खा रहे हैं, हर चीज खा रहे हैं, तो कांग्रेस साथ ही हम लोग। मैं अपना मताधिकार का प्रयोग मोदी को देखते हुए किया है। मोदी का विश्व में वर्चस्व है, हमारे देश का वर्चस्व है। आज हमारे देश का ग्राफ कहाँ से कहाँ चला गया। आज हम चौमुखी विकास कर रहे हैं। आज हमारी भाजपा की सरकार है तो आज मैं सीना तान के पूरे दुनिया में घूम सकता हूँ, पूरी दुनिया में चल सकता हूँ। पूरी दुनिया आज भारत की कद्र कर रही है। आज हमारा देश चौमुखी विकास कर रहा है, हर क्षेत्र में विकास। वोट दिए? किनको वोट दिया? भाजपा को। भाजपा को? क्यों भाजपा को वोट दिए? कांग्रेस को क्यों नहीं दिया? हम लोग जब से हम वोट दे रहे हैं तब से भाजपा की दे रहे हैं। क्यों अच्छा लगते हैं आपको? अच्छा लगते हैं, मैंने काम उनका अच्छा है, बेहतर कार्य है, बेहतर कार्य है। दीदी आप लोगों ने वोट दिया? आप लोगों ने वोट दिया? नहीं। वोट मारे आप लोग? वोट अपना? आप लोग नहीं दिए? उम्र नहीं हुआ था आप लोग का? नहीं, वोटर कार्ड नहीं हुआ था। दीदी आपने वोट दिया? दीदी दिए? दिया। थोड़ा सा घूम जाइए इस तरफ, जरा सा इधर घूम जाइए। वोट दिए? दिए। तो क्या आपको क्या लगा इस बार, भाजपा सरकार या फिर कांग्रेस सरकार? बताइए बताइए, थोड़ा सा इधर कैमरे तरफ, चूंकि कैमरा इधर चल रहा है, बताइए आप लोग के विचार से कौन अच्छे लगते हैं आप लोग को? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार, भाजपा सरकार बेहतर है। क्या दीदी आपने वोट दिया? हाँ। किनको वोट दिया? भाजपा को। भाजपा को? अरे कांग्रेस को क्यों नहीं दिया दीदी? जो अच्छा लगा उन्हें। तो वोट में आपने किनको चुना? जो अभी चल रहा है उन्हीं को हम चुने। मतलब मोदी सरकार? एकदम मोदी सरकार, कोई विकल्प नहीं है दूसरा। कहे मोदी को कहे, और अभी तो महागठबंधन भी सामने है, मोदी जी ही विकल्प है। हमको मोदी जी अच्छा लगा, और अभी देश के लिए बहुत चीज कर रहे हैं, इसलिए हमको अच्छा लगा। इसने हम लोग वोट किया, अपना मत हम लोग उनको दिया। यहाँ पे कई और लोग हैं। आपने आपने वोट किया? हाँ हाँ किया है। किनको वोट किया आपने? मोदी जी को किया है। मोदी जी को दे दिया? जी जी जी। कांग्रेस को क्यों नहीं दिए भैया? जो हमको सही लगा वही किए। किने वोट दिया भाई? मोदी सरकार को। मोदी सरकार को दे दिया? मोदी सरकार को दिया। अरे भाई मोदी सरकार को क्यों दिया? यहाँ तो महागठबंधन भी था, आपने उनको क्यों नहीं दिया? महागठबंधन तो हमको समझ में नहीं आया। मोदी सरकार को क्या, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजू रजक हुआ। अरे आप रजक हैं और आपने मोदी को वोट दिया, आप तो महागठबंधन को देना चाहिए। क्यों देते महागठबंधन को? क्यों 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 अच्छे लगते हैं मोदी जी? अच्छे लगते हैं, दो बार सरकार बन चुकी है आपकी, है तो तीसरी बार ऐसे बनेगी। कि इस बार जो वोट लोगों ने दिया सिमरिया विधानसभा चतरा लोकसभा में, जो लोगों ने वोट दिया वो किन्हें दिया? वो भाजपा की ओर दिया या फिर महागठबंधन कांग्रेस को दिया? तो मैं ऐसे ही लोगों से आपकी और भेंट करवाऊंगा। किन मुद्दों को लेकर के किस तरह का विकास चाहते हैं? विकास चाहते हैं, जैसे सारी जनता को विकास हो तो मेरा विकास हो।
क्या क्या विकास करना चाहते हैं? क्या विकास? विकास मैंने कहो कि अनेक का बाल बच्चा खुशी रहे, हम भी खुशी रहे। तो क्या है आपके सामने दो यहाँ पे प्रत्याशी थे, एक महागठबंधन की ओर से थे के एन त्रिपाठी, दूसरे तरफ से भाजपा से कालीचरण सिंह थे। आपने किसे अपना बहुमूल्य मत दिया? बस अपना बहुमूल्य आप अपने दिल को दिया, जहाँ मेरा दिल कहा वहाँ हमने दे दिया। लेकिन विकास, विकास को आपने दिया? हाँ विकास को दिया। ककरा मार ली बटुआ? मोदी की। मोदी दल है? हाँ। काहे दल है मोदी भाई? अगर नमक रोटी खा रहा लिए कर दिए काचे काचे मोदी दबो लगल अभी तरह धते चापा कल घटल है घर कॉलोनी ना कैमरा तो धते नहीं। और अभी कुछ कुछ मिल रहा मोदी से? हाँ मिल रहा है। तो राशन पति मिल रहा है अभी तेने सबको ककरा भर दल थी? मोदी दल थी सबको? मोदी ने दल थी ककरा दल थी दिए इस बार? हाँ दिए है। तो किसको वोट दिए? मोदी के। मोदी दिए? हाँ। काहे मोदी के दिए भाई? तो किसको देंगे, उसको नहीं देंगे था? तो का अभी तक का फायदा मिला है मोदी से आपको? बहुत फायदा मिला है। काची काची मिला है? खाना मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, नमक दाल मिल रहा है। तो अब यार का चाहते हैं मोदी से? अभी मोदी से चाह रहे हैं कि पानी के बहुत जरूरी है, बहुत पानी की तकलीफ हो रहा है, पानी चाहिए। हाँ। इसीलिए दिए मोदी सरकार को? हाँ। तो कांग्रेस के काहे नहीं दिए वोट? काहे देंगे उसको, कुछ नहीं मिलता कांग्रेस से? नहीं दल ही वोट तो दिए। हाँ दिए। तो क्या क्या सोच के दिए? अबर जो वोट है वो कैसा आदमी को वोट दिया? दिए कमल फूल। कमल फूल में मतलब मोदी को वोट दिए? मोदी को वोट। तो क्या सोच के दिए मोदी, काहे दिए कि इस बार का का क्या चाहिए आप लोग को? गांव में चप्पा कल नहीं है कहीं। अच्छा। बिजली का थोड़ा तकलीफ है, इसी कारण से दे दी। अच्छा मतलब बिजली चाहिए और चापाकल पानी की बढ़िया व्यवस्था चाहिए, बाकी सब कुछ सरकार से मिल रहा है ना? हाँ सब। विगत कई वर्षों से हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार से घिरा हुआ था, लेकिन हुआ ऐसा कि मोदी जी को आने से सभी सभी को लगाम कसा गया। और जहां तक कि विकसित भारत का लक्ष्य है, यही कारण है कि हम लोगों ने उनके पक्ष में मतदान किया। शांति सुरक्षा हम लोग यही चाहते हैं। और जो है तरह तरह के जो है से जनता लोग को परेशानी हो रही थी, इसी वजह से हमारा जो है से उसी लेकर जो है से हमारा जो है से वोट जो दिए हैं। आने वाले सरकार से हमारा यही है कि जो है से स्कूल में सही पढ़ाई कर दे और जो है से लोगों का सही राशन दे दे। जी मोदी जी अच्छे कार्यक्रम किए हैं, इसलिए मोदी जी का जिताना बहुत जरूरी है। और मुझे ये होना चाहिए हिंदू राष्ट्र घोषित करने का, सरकार से यही है मोदी जी आना बहुत जरूरी है। मोदी जी अच्छे काम किए हैं इसीलिए। ये पब्लिक है सब जानती है। इसी एपिसोड के तहत मैं अन्य प्रखंड में जाकर आपको रूबरू कराऊंगा। चतरा से कैमरा पर्सन प्रज्वल मिश्रा के साथ अनुज कुमार पांडे, धन्यवाद।